ये आज की कहानी हम सबके जीवन की कहानी है। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया, क्योंकि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से अब कोई भी लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल को समझ आया कि ये क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक से आश्चर्यजनक रूप से वह शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते रहे, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता जाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर आ गया। ध्यान रहे, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएंगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपना सकता है जो कि आपके आदर्शों के विरुद्ध हों। ऐसे में आपको हतोत्साहित ना होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर, उसे सीढ़ी बनाकर, बिना अपने आदर्शों को त्याग किए अपने कदम को आगे बढ़ाते जाना है। आज की कहानी की यही सीख है, सकारात्मक सहें, सकारात्मक रहें और सकारात्मक जिएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और इस कहानी ने आपके जीवन को कोई शिक्षा दी है, तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।